मांगते 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 कहने लगे, मैं मांगना तो नहीं था लेकिन बड़ी मजबूरी है। मैंने कहा ध्यान करो, ज्यादा ज्यादा ने टिकट भी थोड़े को वापसी का ले लेना है। अब तो ये बाहर जाते हैं ना किसी ग्रोसरी स्टोर में, कहते वो चोर 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 चोर, वो सामान ले छवट के नस जाता है। इन्होंने जरा नहीं देखा सोए अपने आप में। इवन इन्होंने अपने ये कहते थे मैंने एक धेले की करप्शन नहीं की। और जो इनके अपने लोग हैं इनसे अगर बात की जाए वो कहते हैं जी कि सानू नहीं करन देंगे, साढ़े तक पहुँचने नहीं देंगे। उन्होंने बड़ा दुखी होकर आख्या हर जगह कहते हैं। मैं आना यार की तुम इन्हें चु कट दौ शरीफा चो, असं भी 15 साल नार रहे हैं, ये बंदे ही कोई नहीं आते, असं भी आने ये ही हाँ, पर असं आने शायद साढ़ा भी दाव लग जाए। कुछ दाव पर बैठे हैं, कुछ दाव लगा के बैठे हैं, कुछ जाल बिछा के बैठे हैं, लेकिन अब आपको कोई मछली भी नज़र नहीं आएगी क्योंकि अवेयरनेस बहुत हुई है इस हवाले से। हमारे कायद इमरान जितनी अवेयरनेस कर दी है ना, अब तो ये बाहर जाते हैं ना किसी ग्रोसरी स्टोर में, कहते वो चोर 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 चोर, वो सामान ले छवट के नस जाता है। रेस्टोरेंट में जाते हैं अद्धी बुरकी पाई नहीं जो चोर चोर हो गया, वो अगला सालन में गया, सारा कुछ गया, कपड़े भी खराब हैं और हल नहीं है। बड़ा अच्छा हल ढूंढा है पीटीआई ने माशाल्लाह। मैं तो उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, पीटीआई को उमर चीमा साहब यहाँ बैठे हैं, बाकी भी सारे बैठे, तो ये वो कहते हैं ना पंजाबी ना हेंग लगा ना फटकड़ी ना खर्चा ना वकील का खर्चा, तो चोर चोर एक दफा पता चल जाए ना तो वो फिर बह नहीं सकता किधर, अपने महल च नहीं बह सकता किसी जगह से, कोई आहिस्ता आहिस्ता उसकी अपनी इज्जत अपने से ही गिरना शुरू हो जाती है। ये भी एक तरीका है जो हमारे लीडर ने जिसकी निशानदेही की है और रोशनी दिखाई है, लेकिन इसको हम एक बाइज्जत माशरे की शक्ल में, जैसे कि अभी जिक्र किया गया कि खान साहब ने जिक्र किया है कि वहाँ जो ममालक हैं यूरोपियन यूनियन के अमेरिका में, वहाँ निज़ाम बनना चाहिए इंसाफ मिलने का, ताकि जब आप कॉल करें तो इंसाफ आपकी दहलीज पर हाज़िर हो, जैसे 1122 हमारी हाज़िर होती है और आपको फौरी ले जाती है, जहाँ दवाइयाँ भी फ्री हैं, आगे सारा कुछ फ्री है, सारा निज़ाम। हम इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक पीटीआई के एजेंडे के एन मुताबिक हम इसको रीवैम्प कर रहे हैं, इसको और बेहतर कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि रोज़ कोई ना कोई जो नई चीज़ आ रही है ना, वो इंशाल्लाह पीटीआई की अपनी हुकूमत की तरफ से आ रही है। शरीफों ने अभी तक आके शहबाज शरीफ ने कोई ऐसा काम नहीं किया काबिल जिक्र जिसका जिक्र किया जाए, बल्कि अपने दौर में जितनी देर ये धीरे ला रहा है कोई एक काम इसका सस्टेनेबल नहीं था। मसलन मैंने 1122 बनाया, आज भी चल रहा है, जितने दायरे बनाए आज चल रहे हैं, शहबाज शरीफ का एक भी नहीं चल रहा, आशियाना वो जो पढ़ाया गया, हर जगह ये इसी तरह के इनके काम हैं। तो हाँ अलबत्त ये है कि जब जाते हैं यूरोपियन ममालिक में या बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, जैसे शर्मुल शेख में जाके, शर्मुल शेख में इनको शर्म नहीं आई, वहाँ मांगना शुरू कर दिया और मांगते 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 कहने लगे, मैं मांगना तो नहीं था लेकिन बड़ी मजबूरी है। मैंने कहा मैंने कहा ध्यान करो, ज्यादा ज्यादा ने टिकट भी थोड़े को वापसी का ले लेना है। तो मेरी दुआ है कि ब्रिगेडियर साहब और उसकी टीम को अल्लाह ताला कामयाबी से हमकिनार करें और हमें एक ऐसा बाइज्जत माशरा बनाए जिसमें हमारा अपना मुकाम हो, अपनी नज़रों मुकाम हो, हमारी औलाद के सामने हो, माशरे के सामने हमारा मुकाम हो, और फिर पाकिस्तान तरक्की करेगा और फिर पाकिस्तान जो है इंशाल्लाह ताला वहाँ जब आप कहीं बाहर जाएंगे तो आपको इज्जत की निगाह से देखा जाएगा। सिर्फ बात एहसास की है और बात महसूस करने की है कि अगर आप इज्जत कराना चाहते हैं तो फिर ये रास्ता है, सही रास्ता है, दीन का रास्ता है। अगर आप परवाह नहीं करते तो फिर बेदीन हैं, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है, लेकिन नाउमीदी भी गुनाह है। इंशाल्लाह ताला
अल्लाह के घर पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि जितनी मेहनत हो रही है, कोशिश हो रही है, ईमानदारी से अल्लाह ताला बरकत डालेगा और हम ज़रूर उस लेवल तक जो बाहर के ममालिक का लेवल है जिससे पाकिस्तान की इज्जत कदर में इजाफा होगा, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी खुश होंगे कि अब जो हुकूमत आई है अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने वाकई सही नुमाइंदगी की है, हमारे वोटों की कदर की है और फिर आपको वोट लेने की ज़रूरत नहीं होगी, जो भी खड़ा होगा जैसे इमरान खान साहब की पार्टी से होता है उसको वोट का भी नहीं पता होता डालना किधर है, खुद लोग ही सारा काम कर रहे होते हैं। तो ये है सही रास्ता और इसको हमें अपनाने की ज़रूरत है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।